कम से कम अपने घर में अपने आसपास कुछ पौधे लगाइए। अगर खुली जगह ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिए। हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लगे, आधी छत को खोल दीजिए। अरे लेकिन सद्गुरु, ऊपर एक और मंजिल है। ठीक है, एक दीवार हटा दीजिए ताकि आपको थोड़ी सूरज की रोशनी मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बर्र करता रहे, ये भी एक चीज है। आज आप ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते जो रासायनिक तौर पर प्रदूषित ना हो। अगर आप काफी ऑर्गेनिक भोजन खा रहे हैं तो बस वो ऑर्गेनिक केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं। कुछ ऐसा खाना बहुत मुश्किल है जो किसी जंगल में उगा हो और आप बस उसे तोड़कर खा सकें। ऐसा बहुत बहुत कम होता है। ऐसे लोगों का प्रतिशत न के बराबर है जो उस तरह की चीजें खा सकें। अब सब कुछ बाजार से आता है और बाजार में सब कुछ ज्यादा मात्रा से तय होता है, न कि क्वालिटी से। मैं कह रहा हूं कि ये सिस्टम इतना शानदार और सटीक है कि ये आपको अच्छी हालत में रखने के लिए हर चीज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। आप जहां कहीं भी हो, मुंबई में हो, न्यूयॉर्क या लंदन में हो, या जहां भी हो, जिन जगहों पर आप चल फिर रहे हैं, बस उस परिस्थिति पर गौर कीजिए। शायद सामाजिक तौर पर आप उन चीजों के आदि हो गए, लेकिन जिस तरह के माहौल में आप चल फिर रहे हैं उस पर गौर कीजिए। कितनी तरह की चीजें वहां हो रही हैं, उनमें से कुछ भी इस जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि आपको इनकी आदत पड़ गई हो, शायद अब आप उन शहरों से बाहर न रह पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जीवन जो आप हैं, वो उस तरह का माहौल नहीं चाहता। तो आपके भीतर जो बहुत से बदलाव हो रहे हैं वो आपके हित में नहीं है। ग्रंथियों का ठीक से काम न करना तो बस एक नतीजा है। तो आपको अपनी ग्रंथियों को ठीक रखने के लिए गोलियां खानी पड़ेंगी, और गोली निगलने से इनमें संतुलन नहीं आने वाला। आप इसे दबा सकते हैं, आप इसे सही संतुलन में नहीं ला सकते। ये नहीं होगा, क्योंकि हर दिन ये अलग होता है, हर पल ये अलग होता है। ये एक कैलिब्रेशन है, एक बहुत सक्रिय कैलिब्रेशन होता रहता है। आप इसे मार देते हैं और बस एक गोली लेते हैं और किसी तरह काम चलाते हैं, यानी कि आप थोड़ी खराब मशीन है। इस खराबी के साथ मशीन की ये खराबी कई तरह से जाहिर होगी, और आपको इसका पता तभी चलेगा जब आप इसे हद के पार ले जाएंगे। जब आप बहुत सीमित जीवन जीते हैं तो ये जाहिर नहीं होता। ये कुछ ऐसा है, देखिए, अगर आपकी कार का टायर पंचर है तो भी आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से कार चलाकर घर जा सकते हैं। कुछ चीजें खराब होंगी, कुछ चीजें फट जाएंगी, लेकिन फिर भी आप कार चला सकते हैं। अगर आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हैं और तब अगर टायर पंचर होता है तो आप जानते हैं कि आप सड़क से बाहर उड़ जाएंगे। तो बस यही बात है, अगर इन सब चीजों को ठीक से संभाला गया है, अब अगर आप अपने जीवन को एक काफी ज्यादा ऊंचे स्तर पर काम करने के लिए ले जाते हैं तो भी ये आराम से चलेगा। उस संतुलन को लाए बिना अगर आप अपने जीवन की गति बढ़ाते हैं तो ये डगमगाने लगेगा। आप अपने आसपास हर दिन ऐसा होते देखते होंगे, तो अपने जीवन में उतनी लागत लगाने के लिए, खैर, आप अपने शहर को छोड़कर जंगल में रहने नहीं जा सकते, आप अपने माहौल को छोड़कर दूर नहीं जा सकते। आपको कम से कम खुद को इतना सक्षम बनाना होगा कि उन चीजों का आप पर ज्यादा असर ना हो। वैसे भी इनका असर तो होगा, लेकिन सवाल है कि कितना असर होगा। कम से कम अपने घर में अपने आसपास कुछ पौधे लगाइए। अगर खुली जगह ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिए। हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लगे, आधी छत को खोल दीजिए। अरे लेकिन सद्गुरु, ऊपर एक और मंजिल है। ठीक है, एक दीवार हटा दीजिए ताकि आपको थोड़ी सूरज की रोशनी मिले। हाँ, ऐसा ना हो कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बर्र करता रहे, ये भी एक चीज है। आपके आसपास मौजूद ध्वनियों की गूंज इस शरीर को पूरी तरह से झकझोर रही है, हर समय बर्र। खासकर जब मैं देश से बाहर होता हूं, खासकर अमेरिका में, यूरोप में भी, वहां थोड़ा बेहतर है, लेकिन अमेरिका में हर समय कुछ ना कुछ गूंजता रहता है। हर समय जब मैं यहां आता हूं तो लगता है बस बिल्कुल शांत, जो आपको जीवंत बनाता है।
जब हर चीज गूंजती रहती है तो आप बस पुफ। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक नहीं है, लेकिन ये उनके साथ हो रहा है। उनके दिन में 8 घंटे सोने से यह साफ साबित होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह रहे। वो सोकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए, खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए, खुद को हर तरह के असंतुलन से बचाने के लिए आप दिन में 8-10 घंटे की नींद लेते हैं, यानी आधा जीवन आप मरे पड़े रहते हैं। मौत हमेशा एक आसान हल होती है, लेकिन हमें ऐसा हल नहीं चाहिए। हम जीवन के हल को खोज रहे हैं, अंत के हल को नहीं। किसी चीज का अंत करना उसका हल होता है ना? हल है या नहीं? हल है, लेकिन हमें वैसा हल नहीं चाहिए। हम यहीं रहना चाहते हैं, जिंदा और पूरे हल के साथ। तो अगर ऐसा होना है तो आप जहां सोते हैं वहां कुछ पौधे लगा कर रख सकते हैं। जब आप चलते हैं तो आपको इंसानों के अलावा दूसरे जीवनों के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। ज्यादातर लोग इंसानों के प्रति ही जागरूक नहीं होते, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रति जागरूक रहना होगा जो जीवित है। एक पेड़, एक पौधा, एक घास का तिनका, एक कूदता हुआ टिड्डा, और आपके पास से गुजरने वाले वो लोग जिन्हें आप पसंद नहीं करते। हर तरह की चीजें, हर चीज के प्रति आपको जिंदा होना चाहिए। वो ये बोलने की जरूरत नहीं है, ओ मुझे इस पेड़ से प्यार है। आपको पेड़ से प्यार करने की जरूरत नहीं है, आपको उससे पोषण लेना होगा। जीने का केवल यही तरीका है। आप पसंद करें या ना करें, वो अभी आपको पोषण दे रहा है। अगर आप ये सचेतन होकर करते हैं तो हर चीजें बेहतर काम करेंगी। अपने आसपास की हर चीज के प्रति जीवंत होना, बिना किसी भेदभाव के। इंसान कम और कम सक्रिय होते जा रहे हैं जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है। एक दिन में औसतन एक औसत इंसान, हाउ मच एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, पिछली पीढ़ियों के लोग कितनी ज्यादा शारीरिक मेहनत किया करते थे, और अभी हम सब जितनी शारीरिक मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ही कम है। इतने कम स्तर की सक्रियता के साथ सिस्टम में संतुलन रखना मुश्किल है। तो थोड़ा सा असंतुलन होने पर आप जाकर बिस्तर पर मत लेटिए। अगर आप थोड़ा असंतुलन महसूस कर रहे हैं तो आपको ढेर सारे काम में कूद पड़ना चाहिए। जहां भी जोश और उत्साह के साथ कोई काम चल रहा हो, आपको उस काम में कूद पड़ना चाहिए और उससे ज्यादा कीजिए। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, वाकई, क्योंकि जिस पल आप पीछे हटते हैं आप बीमारी को मजबूत बनाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो वो अलग बात है, वरना आपको, हम असल में ग्रंथियों की कई तरह की गड़बड़ियों की बात कर रहे हैं। शरीर से काम लेना एक आसान समाधान है। शरीर से काम लेना यानी काम लेने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कलाई पर वो हेल्थ बैंड है। 10 steps, 12 steps, ऐसा मत कीजिए। ये शरीर से काम लेने का तरीका नहीं है। ऐसा करने से बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा है। बस यूं ही खुशी के साथ कुछ कीजिए, खुश और जिंदा रहिए। काम तो सिर्फ, अगर आप ये नहीं जानते कि यहां बैठे बैठे पूरी तरह से जिंदा कैसे रहना है, तो जाकर कुछ खेलिए, कोई खेल खेलिए, बस यहां वहां दौड़िए। मूल रूप से आपकी बुनियादी समस्या ये है कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए। तो हमें आपको दोबारा याद दिलाना होगा कि वैसे भी आप मर जाएंगे, तो इस बारे में इतना गंभीर मत होइए, क्योंकि इसे खत्म होने में समय नहीं लगेगा।